केजीएमयू कर्मचारी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण इलाज ठप हो गया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, जिसके बाद ओपीडी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। दरअसल केजीएमयू कर्मचारी परिषद के महामंत्री अनिल के अनुसार कर्मचारियों की मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारियों से हमारी बात हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हो गई है, जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लखनऊ से संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। उनकी मांगे हैं, उनको सरकार ने सुना है और जो है उनकी मांग थी कि पीटीआई और लोहिया संस्थान की तरह उन्हें भी मिले सुविधाएं, वेतन मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है और अभी प्रमुख सचिव महोदय को आदेश दिए हैं कि वित्त विभाग के साथ बैठ करके उसको रिजॉल्व करें और आज ही जाए।